एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर, एक बार जरूर विजिट करें। कल खंडवा के मोगट थाने के अंतर्गत आने वाले आनंद नगर में दो कारें आपस में टकरा गई। आगे पीछे की टक्कर हुई जिसमें दोनों कारों का जिसमें एक जीप थी पीछे से नुकसान हुआ और एक गाड़ी जो हम आपको दिखा रहे हैं उसका आगे से नुकसान हुआ। आपको ध्यान ही होगा कि कल खंडवा में रामनवमी को लेकर गजब की धूम थी, उत्सव था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे में रेंग रेंग कर गाड़ियाँ चल रही थी। फिलहाल इसका नहीं पता है कि गलती किसकी है, लेकिन दोनों गाड़ियों का नुकसान हुआ है। काफ़ी देर तक दोनों गाड़ी वालों की आपस में बात होती रही, संभवतः मामले में सुलह हो गई होगी। मामला थाने तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि कल आप जानते हैं कि रामनवमी का उत्सव था और अब हम आपको दिन भर में हर खबर देने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों की संख्या 20 से 30 के बीच में है, ऐसे में हम पूरा दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते हम इस बात की जानकारी नहीं ले पाए कि आखिर मामले में FIR हुई कि नहीं हुई। पुलिस भी बहुत ज़्यादा बिजी थी कल पूरा दिन, इसलिए सुबह सुबह हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अगर मामला थाने तक पहुंचा होगा और दोनों की शिकायत पर FIR हुई होगी तो हम आपको उसको शाम तक क्लियर कर देंगे। फिलहाल इतना ज़रूर पता है कि ये जो गाड़ियां हैं जिसमें एक जीप है जो आजकल लेटेस्ट थार वाली गाड़ी है वो, और एक ये कार है, इन दोनों की आगे पीछे टक्कर हुई। आप देख सकते हैं इस गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी और जीप को पीछे से टक्कर लगी, ये गाड़ियों को देखकर ही समझ में आ रहा है। गाड़ियां किन की है यह भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि घटना हुई है, घटना कोई भी होगी खंडवा में, हमारी कोशिश रहती है छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो हम आपको ज़रूर दें। गर्मी को जाए भूल क्योंकि ऑफर है बहुत कूल। जी हाँ, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक लेकर आए हैं डाइकिन, हिताची जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों के AC, फ्रिज, कूलर, इन्वर्टर, बैटरी, मोबाइल और सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाजार में सबसे कम दामों में। साथ ही साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, एक बार जरूर विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क करें।